न्यूज आपके साथ मैं हूं हेमा जनवेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अदालत ने रक्षा बॉम्ब लीचिंग मामले में एक को किया बरी, चार आरोपियों को 27 साल की सजा। डंपर चोरी के सरगना को किया गिरफ्तार, आरोपी ने कई जिलों में की है डंपर चोरी की वारदात। सिंधी बाल संस्कार शिविर का हुआ समापन, शिविर में भाग लेने वालों को किया सम्मानित। ग्रामीणों ने मांगे नहीं मानने पर दी धरना देने की चेतावनी, सरिस्का फ्लाईओवर ब्रिज प्रोजेक्ट रद्द करने की है मांग। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस थाना बहरोड सदर ने फायरिंग की झूठी सूचना देने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी बहरोड सदर में जाप्ते के फायरिंग की झूठी सूचना देने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। घटना का विवरण के अनुसार कंट्रोल रूम भिवाड़ी से सूचना प्राप्त हुई कि गाँव सरबिंदापुरा तलवाड़ थाना बहरोड सदर क्षेत्र में फायरिंग हो गई है। सूचना पर वृत्ताधिकारी राव अनंत व्रत बहरोड के मैप थाना प्रभारी जयपाल एएसआई मैं जापता थाना बहरोड सदर व थाना बहरोड से प्रदीप कुमार उप निरीक्षक मैं जापता की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचे, जहां मौके पर गांव सरबिंदपुरा में सूचनाकर्ता योगेश शर्मा पुत्र सुभाष चंद्र निवासी सरबिंदपुरा व उसके पिता सुभाष चंद्र शर्मा पुत्र मनोहर लाल शर्मा निवासी सरबिंदपुरा थाना पहरोड सदर गांव में मौजूद मिले, जिनसे घटना की जानकारी की गई तो योगेश शर्मा उसके पिता सुभाष शर्मा ने बताया कि कल हमारी औरतों की आपस में खेत पर पानी भरने की बात को लेकर विवाद हो गया था। इस घटना को लेकर आज अंकित पुत्र पवन कुमार निवासी सरबिंदपुरा सुभाष ने बताया कि जो मेरे चाचा का पोता है जो अकेला घर पर आया, जिसके हाथ में हथियार नुमा वस्तु थी जिसे हमें दिखाया, जिस पर मैंने उसको थप्पड़ मारकर भगा दिया। अंकित ने मौके पर किसी प्रकार की कोई फायरिंग नहीं की, ना ही फायरिंग जैसी कोई घटना घटित है। ये हमारे आपसी घर का मामला है। मेरे घर योगेश ने 100 नंबर पर पुलिस को झूठी सूचना दी है और योगेश उस समय मौजूद भी नहीं था। सूचनाकर्ता योगेश व उसके पिता सुभाष से रिपोर्ट चाहिए तो रिपोर्ट देने से मना कर दिया। मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने भी फायरिंग की कोई घटना होना नहीं बताया तथा सुभाष दी गई अंकित के थप्पड़ मारना बताया है। मामला आपसी परिवार में औरतों के झगड़े का था। घटना की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। सूचना झूठी पाई जाने पर तथा क्षेत्र में अशांति पैदा कर पुलिस को गुमराह किया गया, जिस पर पुलिस ने मौके पर ही पिता पुत्र को हिरासत में लिया। होमगार्ड एवं होमगार्ड वॉलंटियर्स का अनुबंध नवीनीकरण कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल समय को बढ़ाया है। अनुबंध नवीनीकरण अवधि को 5 से बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया है। अब हर वर्ष 5 वर्ष की जगह 15 वर्ष पर होगा अनुबंध नवीनीकरण। होमगार्ड्स की वर्षों पुरानी मांग को मुख्यमंत्री ने पूरा किया। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी के UIT थाना क्षेत्र के अंतर्गत बनबन गांव में बुधवार को हुए खूनी संघर्ष व फायरिंग के मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से गुरुवार को SP को एक ज्ञापन सौंपा गया। SP अनिल कुमार बेनीवाल कार्यालय में उपस्थित नहीं मिले तो ज्ञापन DSP सुजीत शंकर को दिया गया, जिसमे खिजूरीवास गाँव के सैकड़ों लोग शामिल रहे। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि बुधवार को बनबन गांव में खेतों के अंदर काम कर रही महिलाओं पर की गई बर्बरतापूर्ण वारदात व उन पर गाड़ी चढ़ा कर उन्हें जान से मारने की कोशिश के मामले में निष्पक्ष जांच
करते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस पर डीएसपी सुजीत शंकर ने आए हुए सभी ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित पूरन सिंह यादव ने बताया कि उनकी तरफ से यूआईटी फेजथर थाने में बुधवार देर शाम मामला दर्ज करवा दिया गया है, जिसमें भिवाड़ी के पार्षद सूबे सिंह सहित कुछ लोगों को नामजद किया गया है, तो वहीं 40 से 50 लोग अज्ञात हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अभी दूसरी पार्टी की तरफ से कोई भी मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। बता दें कि बुधवार को बनबन गांव में एडवोकेट पूरन सिंह यादव व भिवाड़ी के साथलका के वार्ड पार्षद सूबे सिंह विधूड़ी के बीच जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया था, जिसमें एक फॉर्चुनर गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया था, जिसमें करीब 35 लाख रुपए की गाड़ी जलकर राख हो गई। तो वहीं सूबे सिंह पार्षद के पक्ष के लोगों की तरफ से महिलाओं पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें कुचलने का प्रयास भी किया गया था। इस दौरान एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर करीब 10 से 15 राउंड फायरिंग की बातें भी सुनने में आई थी। इस पूरे मामले को लेकर गांव में भारी पुलिस बल भी तैनात रहा और इस आपसी समझाइश से मामला शांत करवाया गया था। झगड़े के दौरान 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज भिवाड़ी के निजी अस्पताल में चल रहा है। लेकिन इस मामले में एडवोकेट पूरन सिंह यादव की तरफ से तो बुधवार शाम को ही मामला दर्ज करवा दिया गया था, लेकिन पार्षद सूबे सिंह विधूड़ी की तरफ से अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, जो भी होगा वीडियोग्राफी बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है, उसके बेसिस पे होगा, कुछ उल्टा सीधा नहीं हो सकता है, सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन रहने की जरूरत है। फिर भी आपकी सेवा मांगने के हिसाब से हुई है, हमारे समस्त ग्रामवासी उनके बहुओं के साथ बेटियों के साथ जो व्यवहार हुआ उससे सारे क्षुब्ध थे और क्षुब्धता की वजह से वो इतने अपने आप को अपमानित समझ रहे थे कि उनकी बाण बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। उसके लिए गांव वालों ने एक मीटिंग बुलाई गांव के मंदिर में और उसमें ये सर्वसहमति निर्णय लिया गया कि जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार है नारियों के साथ हमारी बहु बेटियों के साथ उसके खिलाफ हम प्रशासन के साथ अधिकारियों के साथ मिलकर एक ज्ञापन देंगे और उसी उपलक्ष्य में इस समस्त ग्रामवासी हम साहब से मिलने के लिए एसपी साहब से एडिशनल साहब से आईपी साहब से मिलने के लिए। तो घटना में कितने लोग घायल हैं? 10 व्यक्ति घायल है और जिसमें लगभग ज्यादातर महिलाएं हैं और महिलाओं के साथ जो इतना अपमानपूर्ण व्यवहार किया है उससे सारे गांव के सारे निवासी छूट गए और बहुत परेशानी की बात है कि इस तरह का नारी के सम्मान में लोग इतना अपमान करते हैं। भिवाड़ी के बीड़ा सभागार में बीड़ा सीईओ श्वेता चौहान ने भिवाड़ी के रीको बीड़ा सहित औद्योगिक संगठनों के साथ गुरुवार को एक बैठक आयोजित की, जिसमें भिवाड़ी शहर में लंबे समय से चली आ रही जल भराव व वायु प्रदूषण की समस्या पर गहनता से चर्चा की गई और भिवाड़ी के लिए नासूर बन चुकी इन दोनों ही समस्याओं के निराकरण के लिए उचित सुझाव मांगे गए। बैठक के दौरान बीड़ा सीईओ श्वेता चौहान ने बारिश का मौसम आने से पहले आगामी 15 जून तक रीको व नगर परिषद के अधिकारियों से भिवाड़ी के सभी नालों की सफाई आवश्यक रूप से कराने के निर्देश दिए। साथ ही बीड़ा सीईओ ने भिवाड़ी में चल रहे सीईटीपी लाइन के प्रोजेक्ट व अन्य निर्माणाधीन प्रोजेक्टों को तय सीमा तक आवश्यक रूप से पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में रीको यूनिट प्रथम और यूनिट द्वितीय सहित नगर परिषद बीएमए के सचिव जसवीर सिंह, मुकेश जैन, जीएल स्वामी, गोविंद गुप्ता, बीजेपी एनए से बीएस चौहान मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। वेलकम टू मॉड्यूलस आईआईटी नीट एकेडमी, मोती डूंगरी, अलवर, राजस्थान। हमारी
व्यवस्थाओं का अवलोकन करें। मॉड्यूलस अकेडमी, मोती डूंगरी, अलवर। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर, एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त, अलवर जिले के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलकपुर गांव के समीप 18 एकड़ भूमि पर संचालित है। विद्यालय में 11th और 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विषय इंग्लिश मीडियम में संचालित है। आरबीएस स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12 तक के रामगढ़, गोविंदगढ़ व सीकरी आदि दूर दराज से अध्ययन करने आने वाले बच्चों के लिए बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। आरबीएस स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर लैब, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी हॉल और इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास की भी सुविधा है। विद्यालय में वॉलीबॉल, तीरंदाजी व बैडमिंटन सहित अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई जाती है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा एमएससी बीएड सहित वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित व्याख्याता अध्यापकों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। आरबीएस स्कूल के चेयरमैन राम सिंह यादव और सचिव अमन यादव प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं। तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आरबीएस स्कूल का विजिट अवश्य करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समाज सेवी लालचंद रोघा ने कहा कि सिंधी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाज के प्रति समर्पित होकर सामाजिक हित के कार्य करने चाहिए, जिससे समाज को सुदृढ़ व शीर्ष स्थान का दर्जा मिले। ये उद्बोधन समाज सेवी लालचंद रोघा ने कस्बे के आनंद नगर कॉलोनी स्थित झूलेलाल मंदिर में पूज्य सिंधी पंचायत खैरतल के सहयोग से भारतीय सिंधु सभा खैरतल द्वारा आयोजित सिंधी बाल संस्कार शिविर के समापन समारोह के दौरान कही। भारतीय सिंधु सभा राजस्थान प्रदेश संस्कृति एवं साहित्य मंत्री राजकुमार दादवानी ने बताया कि समापन समारोह के तहत भारतीय सिंधु सभा खैरतल द्वारा 17 मई से सिंधी बाल संस्कार शिविर के माध्यम से कस्बे के लगभग 201 बच्चों को सिंधी भाषा एवं सिंधी संस्कृति का ज्ञान एवं ढोलक, बाजा, डांडिया, लोकगीत, नृत्य, नाटक, योग, पल्लव का ज्ञान प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित कर पुरस्कृत किया गया। समारोह के दौरान सभी बच्चों ने दीपक लखवानी म्यूजिकल पार्टी के सहयोग से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सिंधी भाषा व सिंधी संस्कृति को बढ़ावा देने का संदेश दिया। इस मौके पर पूज्य सिंधी पंचायत अलवर जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा ने कहा कि वर्तमान समय में सिंधी समाज के लोगों द्वारा सिंधी भाषा नहीं बोलने के कारण समाज के बच्चे सिंधी भाषा व संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, जो काफी चिंतन का विषय है। इस तरह के शिविरों के माध्यम से बच्चों को सिंधी भाषा एवं संस्कार देना काफी सराहनीय कदम है। इस दौरान मंचासीन अतिथि झूलेलाल मंदिर के संरक्षक बाबा शीतल दास लालवानी, स्वामी ध्यान गिरी आश्रम के संत स्वामी गोविंद गिरी महाराज, भामाशाह लालचंद रोघा, पूज्य सिंधी पंचायत अलवर जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश, भारतीय सिंधु सभा प्रदेश मंत्री गिरधारी लाल ज्ञानानी, नथुमल रामनानी, मुखी अशोक महलवानी, संभाग प्रभारी प्रताप कटहरा, भगवान दास दादवानी, तारा चंद दासवानी, हरिराम रामानी, बाबूलाल गोरवानी, शिशुपाल रेलवानी ने समाज के लोगों को सिंधी भाषा एवं सिंधी संस्कृति को बढ़ावा देने एवं समाज को संगठित करने की प्रेरणा दी। मंच संचालन प्रदेश साहित्य एवं संस्कृति मंत्री राजकुमार दादवानी ने किया। कार्यक्रम के दौरान इकाई अध्यक्ष लक्ष्मण दास भूरानी, योगेश केवल रामनी, बोनी जयवानी, राजाल मंगलानी, अजीत मंगलानी, दीपा बालानी, नीतू खजनानी, रामचंद खतनानी, मोनिका मदान, देवीदास भगत आदि ने व्यवस्थाओं को बनाए रखा। जिला स्पेशल टीम भिवाड़ी ने मेवात की कुख्यात हाइवा डंपर चोरी गैंग का मुख्य सरगना अरशद लंगड़ा को दस्तयाब किया है। आरोपी सीकर, जयपुर ग्रामीण, नागौर, पाली और अलवर से 7 हाइवा डंपर चोरी के मामले में वांछित है। आरोपी पूर्व में दिल्ली एटीएम लूट की वारदात में भी जेल जा चुका है। दिल्ली पुलिस से मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी थी। डीएसटी प्रभारी भिवाड़ी दारा सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए कुख्यात डंपर चोर अरशद लंगड़ा को दस्तयाब किया गया। जिला स्पेशल टीम भिवाड़ी के हेड कांस्टेबल कृष्ण को सूचना मिली कि राजस्थान के 5 जिलों से 7 हाइवा चोरी करने का आरोपी मुख्य सरगना अरशद लंगड़ा पुत्र अरसम खान मेव निवासी बाई खाना तिजारा, जो अपने घर से तिजारा की तरफ जा रहा है, जो राजस्थान में कई जगह से डंपर चोरी के मामले में वंचित चल रहा था। राजस्थान में पुलिस थाना चंदवासी, सरुंड, जयपुर ग्रामीण, प्रतापगढ़, अलवर, अजीतगढ़, सीकर,
मेड़ता सिटी नागौर सदर पाली पाली के मुकदमे में हाईवा चोरी के मामले में अरशद पुत्र असरका मेव निवासी बाई खाना तिजारा गत कई महीनों से फरार चल रहा था और लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा था। उच्चाधिकारियों द्वारा कुख्यात डंपर चोर अरशद लंगड़ा की पतारसी के निर्देश फरमाए, जिस पर टीम द्वारा उसके छिपने के ठिकानों पर लगातार नजर रखी जा रही थी। आरोपी द्वारा अपनी दूसरी पत्नी के साथ दिल्ली में अलग अलग जगह पर रहकर फरारी काट रहा था और चोरी के पैसों से लग्जरी लाइफ जी रहा था। अरशद जब पैसे खत्म होते तो अपने जीजा असीम को और अपने साथियों को तैयार कर वारदात के लिए निकल जाता, फिर हाईवा चोरी की वारदात कर माल को ठिकाने लगाकर दोबारा दिल्ली भाग जाता। भिवाड़ी डीएसटी टीम द्वारा लगातार आरोपी के ठिकानों और उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। डीएसटी के हेड कांस्टेबल कृष्ण को सूचना मिली कि अरशद लंगड़ा अपने गांव से तिजारा की तरफ जाएगा। सूचना पर डीएसटी टीम भिवाड़ी द्वारा कार्रवाई करते हुए मोटोकल स्टैंड तिजारा से अरशद लंगड़ा को दस्तयाब किया गया। दस्तयाब आरोपी को पुलिस थाना सरुंड जयपुर ग्रामीण को सूचित कर अग्रिम कार्रवाई के लिए सुपुर्द कर दिया गया है। किशनगढ़ वास विद्या भारती खेल परिषद के तत्वाधान में आदर्श विद्या मंदिर में चल रहे खो खो प्रशिक्षण वर्ग का समापन हुआ। प्रशिक्षण में 18 प्रांतों के 80 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। विद्या मंदिर के आचार्य पवन मिश्रा ने बताया कि इस अवसर पर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय संगठन मंत्री गोविंद कुमार थे। उन्होंने अपने संबोधन में प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि खिलाड़ी उत्कर्ष बने, खेल को खेल की भावना से खेले व खिलाड़ी अपने लक्ष्य का ध्यान रखे। इस अवसर पर राजस्थान क्षेत्र के खेल प्रमुख व वर्ग संयोजक सत्यनारायण मिश्रा ने इस प्रशिक्षण वर्ग का वृत्त प्रस्तुत किया। इस वर्ग में 18 प्रांतों के 80 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षक के रूप में आए हुए हिमाचल प्रदेश के राकेश कुमार व छत्तीसगढ़ से आए हुए सनत कुमार ने प्रशिक्षण दिया। समापन कार्यक्रम में प्रांत के सह खेल प्रमुख रोहिताश खेरिया, प्रांत के सह मंत्री विजय सिंह फौजदार, जिला सचिव सतीश शर्मा तथा जिला व स्थानीय समिति के सदस्य पदाधिकारी व संपूर्ण स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम के अंत में स्थानीय समिति के अध्यक्ष संतोष गोयल ने सभी का आभार व्यक्त किया। अरावली थाना क्षेत्र के गांव गुजुकी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक पर टाचिया से जानलेवा हमला किया। सिर में टाचिया लगने से युवक गंभीर घायल हो गया। लहूलुहान अवस्था में अस्पताल में भर्ती महेंद्र के परिजनों ने बताया कि लंबे समय से उनका परिवार पिता के बड़े भाई से जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है, जिसे लेकर ताऊ के बच्चे आए दिन झगड़ा करने को उतारू रहते हैं। तड़के सुबह वह अपनी पत्नी के साथ खेत पर कार्य कर रहा था, तभी धोखे से ताऊ के लड़के राजेश भगवती प्रसाद, हितेंद्र, राजेंद्र, दिनेश, राकेश ने उस पर पीछे से धारदार टाची से जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आए परिवार के लोगों पर भी वो टूट पड़े, जिसमें उनकी पत्नी सहित अन्य लोग घायल हो गए। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। आनन फाना में घायलों की गुजुकी सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं सिर में टाचिए के वार से गंभीर घायल महेंद्र को अलवर लाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। घायल महेंद्र ने बताया कि कुछ सालों पहले इसके पिता की मौत हो गई थी। एक हमारे शामनाथ की जमीन थी, मेरे हिस्सा की जमीन थी और उनकी भी थी, उस पर साझा था। मेरे पास रहते हैं शुरू से अब तक, और छोटे छोटे थे मेरे पास तो रह रहे हैं। ये पीछे से वहां लकड़ी लगा गए थे दोनों, और उठाते इन्होंने क्या किया, एकदम वार किया 8-7 जनों ने। नाम मैं बताऊ आपको, एक का नाम तो है राजेश, उसका पिता का नाम है भगवान साहब, और एक भगवत प्रसाद, उसका लड़कों का नाम है, एक का नाम जितेंद्र, राजेंद्र, दिनेश, राकेश और राजेश, और दो लेडीज थी, जो हमारी बहुत आई थी। कितने लोग थे ये? 8-10 जने थे। 8-10 जने थे, मैं बाद में आया था जब मेरी मारा पीट की। और हम तो हमें पता नहीं, आपने कौन कौन लोग घायल हुए?
राजस्थान के सिंहद्वार मेवात क्षेत्र सिद्ध व संतों की तपोभूमि रही है। अलवर नगर को अनेकों मनीषियों ने अपनी कर्म भूमि तपोभूमि के रूप में अपनाया। ऐसे ही एक महान संत रहे बाबा श्री श्री 108 श्री लालदास जी महाराज। संत शिरोमणि श्री लालदास जी महाराज का जन्म अलवर जिले के धोलीधूप अंचल में 1597 1544 ईस्वी में श्रावण कृष्ण पक्ष के पंचमी को हुआ था। 5 वर्ष की शैशव अवस्था तक लालदास जी ने भगवान विष्णु के अंश में अंतर्मुखी रहकर ध्यान अवस्था में रहकर भगवान का मनन किया। भगवान का जप तप करना, जंगल से सूखी लकड़ी बटोरकर बेचना व परिवार का पालन पोषण करना ही उनके जीवन का लक्ष्य रहा। अलवर शहर का परकोटा सन 1789 में महाराजा प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। उस समय परकोटे में 5 दरवाजे लादिया दरवाजा, हजूरी दरवाजा, मालाखेड़ा दरवाजा, दिल्ली दरवाजा और लाल दरवाजा बनाए गए थे। वर्तमान में केवल दिल्ली दरवाजा बचा है। लाल दरवाजे पर बाबा लालदास महाराज लकड़ी का भरोटा लेकर बेचने के लिए बैठते थे। उन्हीं के नाम पर लाल दरवाजा बनवाया गया था। सन 1938 में लाल दरवाजे के सामने की खाई को पाट कर महाराजा तेज सिंह द्वारा होप सर्कस का निर्माण करवाया गया। किवंदित है कि एक बार लालदास जी लकड़ी के भरोटे को बेचने के लिए खरीदने वाले की प्रतीक्षा कर रहे थे कि राज्य का एक बिगड़ैल हाथी लोगों को मारता खदेड़ता हुआ आ रहा था। लोगों में भगदड़ मची हुई थी। हाथी पर बैठा महावत चिल्ला चिल्ला कर सबको सावधान कर रहा था। उसने लालदास जी को भी वहां से हटने के लिए कहा, परंतु लालदास जी निडर भाव से अपने स्थान पर ही रहे। जैसे ही मदमस्त हाथी बाबा के समीप पहुंचा, उसका पागलपन शांत हो गया। हाथी ने बाबा के निकट पहुंचकर अपनी सूंड से 3 बार अपना सिर झुकाकर वंदना की और चरण छुए। यह सब देखकर हाथीवान चकित रह गया और हाथ बाबा के सामने नतमस्तक हो गया। बाबा के चरण छूते ही हाथीवान की संसार से विरक्ति हो गई। हाथीवान बाबा का पहला शिष्य बना जो साध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लालदास जी ने बांधोली गांव के पास टोडली में तपस्या करते हुए अपने परिवार सहित संतोष पूर्वक जीवन यापन करते थे। लगभग 36 वर्षों तक बाबा टोडली की बैठक पर रहे। इस दौरान बाबा को कई यातनाएं भी सहन करनी पड़ी। इन 36 वर्षों में बाबा ने कई स्थानों का भ्रमण कर हरजस गायन, हरिस्मरण, शास्त्र नाम, जाप का अलख लगाया। उसके बाद बाबा टोंडी से प्रस्थान कर नहरोली गांव होते हुए रसगंज पहुंचे। बाबा लालदास ने नगला साधना स्थल पर समाधि ली। 6 माह बाद साधु संतों को आदेश दिया कि जहां उनके शिष्य ठाकुरिया साध ने समाधि ली है, उस परम पावन स्थान शेरपुर में उन्हें भी समाधिस्थ किया जाए। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाकर हरजस गायन करते हुए नगाड़ों की ध्वनि के साथ शुक्ल पक्ष 2 संवत 1705 को उन्हें समाधि दी गई। लालदास जी की समाधि के चरणों में ठाकुरिया दास की समाधि है। शेरपुर धाम में ही माई भोगरी, पहाड़ा जी, सरूपा जी सहित पूरे परिवार ने समाधि ली। भक्तों के द्वारा शेरपुर धाम पर बाबा के मंदिर का निर्माण करवाया गया। श्री श्री 108 श्री बाबा लालदास मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष रवि कपूर ने बताया कि हर वर्ष ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को बाबा का मेला भरता है, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सहित कई राज्यों के भक्त बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए सह परिवार आते हैं। साथ ही विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि 30 मई को शेरपुर मंदिर से पदयात्रा लिए बाबा के भक्त साय 5 बजे बाबा लालदास जी मंदिर धोली धूप के लिए रवाना होंगे। साय 8 बजे धोली धूप स्थित बाबा लालदास जी के मंदिर से बाबा का ध्वज लेकर पैदल रवाना होंगे, जो 31 मई को प्रातः 8 बजे शेरपुर धाम पहुंचेंगे। 3 जून को साय 7 बजे बाबा की सामूहिक आरती होगी। रात्रि 8 बजे के बाद प्रक्षालन एवं चादर समारोह आयोजित होगा। रात्रि को संगीत पार्टी के द्वारा विशाल जागरण किया जाएगा, जिसमें सुंदर झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी और 4 जून को बाबा का विशाल मेला होगा। रकबर मॉब लिंचिंग मामले में गुरुवार को अलवर न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों को दोषी करार किया है, जबकि 1 आरोपी नवल किशोर को बरी कर दिया गया है, जबकि आरोपियों को दोषी मानते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश सुनील गोयल ने फैसला सुनाते हुए आरोपी परमजीत, धर्मेंद्र, नरेश और विजय को 304 पार्ट 1 और 323 और 341 में दोषी करार दिया। 4 आरोपियों को कोर्ट ने 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में अन्य आरोपी नवल किशोर को कोर्ट से बरी किया है। स्पेशल पीपी अशोक शर्मा ने बताया कि 2018 के रकबर मॉब लिंचिंग केस में
अलवर पुलिस ने धर्मेंद्र यादव, परमजीत सिंह, नरेश, विजय और नवल किशोर को गिरफ्तार किया था। सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। मामले की आरोपी पक्ष के वकील की ओर से अलवर एडीजे संख्या एक कोर्ट में चश्मदीद गवाह असलम के बयान फिर से कराने के लिए याचिका लगाई गई। आरोपियों की तरफ से दायर इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद आरोपी पक्ष के वकील ने हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई। इस मामले में एडीजे संख्या एक कोर्ट के न्यायाधीश सुनील गोयल ने फैसले के लिए 15 मई की तारीख पेशी तय की थी। इससे पहले हाई कोर्ट ने चश्मदीद असलम के बयानों पर जिरा की याचिका पर सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख पेशी तय कर दी थी। इसके चलते अलवर एडीजे संख्या एक के न्यायाधीश ने रकबर मॉब लीचिंग प्रकरण के फैसले के लिए 25 मई की तारीख तय की। 25 मई को फैसला सुनाते हुए एक आरोपी नवल किशोर को सभी आरोपों से बरी किया तो चार आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई। रकबर उर्फ अकबर हरियाणा के कोलगांव का रहने वाला था। रकबर और उसका दोस्त असलम 20 जुलाई 2018 की रात को राजस्थान के अलवर में थे। वो दोनों रामगढ़ के ललावंडी गांव से पैदल गाय ले जा रहे थे। उन्हें गाय ले जाता देख कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। लोगों को गौ तस्करी का शक था। इस दौरान लोगों ने दोनों को पकड़ा और मारपीट शुरू कर दी। इस बीच असलम मौके से भागने में कामयाब रहा जबकि रकबर की लोगों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। पिटाई के बाद रकबर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस कस्टडी में ही कुछ घंटे बाद रकबर की मौत हो गई। इस प्रकरण में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें धर्मेंद्र यादव, परमजीत सिंह, नरेश, विजय और नवल किशोर शामिल थे। 5 के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। रकबर मॉब लिचिंग मामले में राजस्थान सरकार की ओर से कोर्ट में 67 गवाहों के बयान करवाए गए। इस मामले में 5 लोग चश्मदीद गवाह भी थे। इनमें तत्कालीन रामगढ़ थाना प्रभारी ASI मोहन सिंह, कांस्टेबल नरेंद्र सिंह और रकबर का साथी असलम भी शामिल था। राज्य सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी के लिए जयपुर हाई कोर्ट के सीनियर वकील नासिर अली नकवी को स्पेशल PP नियुक्त किया गया था। लगातार मामले में सुनवाई चली। आप संतुष्ट हैं इसको लेकर के? देखिए, जो सजा सुनाई गई है न्यायालय का निर्णय है, अभी हम निर्णय की प्रति लेंगे और उसको अवलोकन करने के बाद यह निश्चित रूप से मैं आपसे कह सकता हूं कि हम इस दंडादेश निर्णय से प्रसन्न है लेकिन इस दंडादेश से प्रसन्न नहीं है और इसकी कॉपी लेकर और बातचीत की जाएगी और इसके बाद अगर ये समुचित होगा तो अपील की अनुशंसा। क्या क्या मामले रहे हैं इसमें, किन किन धाराओं में अब जो सजा हुई है? देखिए, 341 और 304 पार्ट फर्स्ट में कन्विक्शन किया गया है। पार्ट 304 पार्ट फर्स्ट में 7 साल की सजा दी गई है चारों अभियुक्तगण को और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। जहां 341 जो सेक्शन है उसमें 1 माह का दंड और 500 रुपए जुर्माना किया गया है। दोनों सजाएं 7-7 चलेंगी और पूर्व में जो इन्होंने कस्टडी न्यायिक अभिरक्षा में निकाली है उसका इनको सेट ऑफ मिलेगा। अभियुक्तों के जो वकील हैं उनको बताया कि न्यायिक जांच में भी उन कई चीजों को दरकिनार किया गया है। न्यायिक जांच थी जो उसमें, देखिए, दो एस्पेक्ट होते हैं, वो क्या कह रहे हैं वो उनका अपना व्यू है। न्यायिक जांच इस पर्पज से की गई थी कि एलिगेशन ये लगाए जा रहे थे कि हमारी पुलिस जो है उसने इस घटना में सक्रिय भाग लिया है, लेकिन न्यायिक जांच करने वाले अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उन्होंने जो न्यायिक जांच की थी उसमें केवल उन्होंने पुलिस का इतना सा ही गलती मानी थी कि उन्होंने मेडिकल हेल्प जो है इसको इन टाइम नहीं दिलाई और न्यायिक जांच जो है इस प्रकरण से कोई प्रभाव डालने वाली नहीं थी। दैट वॉज ए एग्जीक्यूटिव वर्क और वो अलग चीज थी। यहाँ जो साक्ष्य संकलित की गई उसके आधार पर न्यायालय ने निर्णय दिया। दंड घोषित का मॉब लिंचिंग में पहला मामला है ये, क्या पूरे मामले को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, मेरा कहना ये है कि हमारे राष्ट्र में कानून का राज है और किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वह मौके पर ही न्याय कर दे अपने स्तर पर। तो फिर ये संस्थाएं, न्यायालय, पुलिस स्टेशन, ये जो सारी सामाजिक परिवेश और व्यवस्थाएं बनी हुई हैं इनका कोई महत्व तो नहीं रहेगा। मेरा मानना है कि ये बहुत संगीन किस्म के अपराध हैं कि आप मौके पर ही न्याय कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में
ये समाज में एक गलत मैसेज जाता है और आज सजा हुई है तो निश्चित रूप से समाज में ये मैसेज जाएगा कि अगर आप मनमर्जी करेंगे, मनमाना राज चलाने की कोशिश करेंगे तो आप दंड के भागी होंगे। बिल्कुल निर्दोष है, बाकी हमें फिर भी न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है। यहाँ से चाहे कैसा भी कोई न्याय हमें मिला है, जैसा भी मिला है, पर आगे हमें हाईकोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है। ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी दबाव, राजनीतिक दबाव, मैं तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने अपनी सूझबूझ से काम किया होगा, बाकी फिर भी हमें हाईकोर्ट पे भरोसा है। बाकी निर्दोष थे बच्चे और सारी चीजें, सारे साक्ष्य इस चीज का मायने रखते हैं, पर किस तरह का क्या मामला रहा है नहीं पता, इस चीज कह नहीं सकते। तो अभी जो 7 साल की सजा सुनाई है उसको लेकर के भी आप असंतुष्ट और आगे अपील करवाएंगे? खैर कोर्ट को तो अपन नहीं कह सकते क्योंकि न्यायपालिका के ऊपर अपन उंगली नहीं उठा सकते, बाकी हाईकोर्ट के ऊपर हमें भरोसा है। हाईकोर्ट में जाएंगे अभी? हाँ, हाईकोर्ट जाएंगे, न्याय की उम्मीद है, हम न्याय लेंगे, न्याय मिलेगा। आज जो कोर्ट ने आपको राहत दी है उसमें आप क्या मानते हैं? भाई मैं कह रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कि न्यायपालिका के ऊपर हमें भरोसा है, न्यायपालिका के ऊपर हम कोई भी तरीके से कैसा भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। पुलिस ने आपको लेकर के दावे किए थे कि पूरा पूरा रोल था, पुलिस तो दावा करती रही है और करती रहेगी आगे भी, बाकी इस तरह का कोई नहीं है। पुलिस कहना ऐसे कुछ नहीं है, पर जो न्याय है अभी यहाँ न्याय मिला है, कुछ आगे न्याय मिलेगा। हम अगर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आपको कि न्याय मिला है थोड़ा और? हाँ, न्याय मिला है, बाकी अभी हमारे आगे जो बाकी है तो उस चीज को हम आगे हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल फ्लैट्स उपलब्ध। CMRS इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं JEE, NEET, CA, CS और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट फैकल्टी टीम। हमारी टीम मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और स्टेबल है। हमारा स्टडी मटेरियल अपडेटेड है, जो स्टूडेंट्स के सिलेक्शन को बनाता है और भी आसान। स्टूडेंट्स के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, मेंटल बूस्टअप और करियर काउंसलिंग प्रोग्राम, Over 2.5 lakh question bank, doubt clearing session, chapter wise test, special attention on weak students, regular parents teacher meeting, AC campus for students and door to door convince facility. Aap CMRS aaye aur hamari vyavasthaon ka avlokan kare. CMRS Institute, GLG Square, opposite Harish Hospital, near Jail Circle, Alwar. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भरतरी ग्रामीण समिति सरिस्का वन क्षेत्र कुशलगढ़ के ग्रामीणों ने आज अपनी मांगों को लेकर ADM सिटी नवीन यादव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन दिया। समिति से जुड़े रामफल गुर्जर ने बताया कि ज्ञापन में हमारी मांगे हैं कि वन अधिकार कानून 2012 को सरिस्का वन क्षेत्र में लागू होने आ रही, जिससे परेशानियों को दूर किया जाए, एवं 12 वेयर से सरिस्का थैंक्स बोर्ड थानागाजी तक फ्लाई ओवर ब्रिज का प्रोजेक्ट रद्द किया जाए। इसके साथ सरिस्का वन क्षेत्र का प्राचीन नाम भरतरी का एक रहा है, जो कि आदिवासी लोगों के लोक देवता है, इसलिए इसका नाम भरतरी अभयारण्य रखा जाए, एवं वन क्षेत्र के निवासियों की आय वृद्धि के लिए सरकार स्वरोजगार की योजना बनाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर 7 दिन में समिति को अवगत करे, अन्यथा मजबूरन समिति को 1 जून से कुशलगढ़ तिराहे पर धरना प्रारंभ करना पड़ेगा। भैया, हम भरतरी ग्रामीण वन समिति से आए हुए लोग हैं। कई गांव से, 5-7-10 गांव से लोग इकट्ठे होकर, कुछ हम आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं। अब हमारे राजस्थान के अंदर वन अधिकार अधिनियम 2012
जो लागू किया गया था वो अलवर जिले के अंदर लागू नहीं हुआ, बाकी सब जगह लागू हो गए हैं। इसके विषय में हमने काफी प्रयास किए, कई लोगों से जानकारी की, कलेक्टर साहब के पास भी पहुंचे, उनसे भी कहा, उन्होंने यस भी किया, पत्राचार हुए, लेकिन अभी तक हमें वो अधिकार पूर्णतः मिले नहीं है। इसलिए मतलब वन अधिकार अधिनियम 2012 की अनुपालना में हमें मतलब वो अधिकार दिए जाएं जो वन अधिकार अधिनियम 2012 में हैं। दूसरा जो मतलब ये सरसका वन क्षेत्र का नाम रखा गया है, ये हमेशा से अनादिकाल से भर्तरी की छींड के नाम से रहा है, इसलिए इसका नाम भर्तरी वन क्षेत्र रखा जाए। तीसरा जो मतलब नटनिका 12 से और थैंक यू बोर्ड तक जो मतलब ये पुल बनने की जो तैयारियां हो रही है, इससे हमारे जो रहने वाले लोग हैं जिनके सारे रोजगार खत्म हो जाएंगे, इसलिए उसको कैंसिल किया जाए, इसको यथावत रखा जाए। और हमारा जो स्वरोजगार है, जैसे पशुधन चराना है, जंगल से मतलब पत्ते लेकर उनसे प्रोजेक्ट बनाना है, सूखी ईंधन काटना है, घास काटना है, ऐसी छूटें हमको दी जानी चाहिए जिससे हमारा जीवन निर्वाह हो सके। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नयाबास अलवर में 17 मई से 31 मई तक संचालित समाज सेवा शिविर में आज गिरीश गुप्ता द्वारा परिवार कल्याण एवं प्राथमिक चिकित्सा संबंधित जानकारी विस्तार से दी गई एवं बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बहुत सरल तरीके से समझाते हुए दिए गए। प्रातःकाल सैटेलाइट हॉस्पिटल अलवर का भी भ्रमण करवाया। हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को केला, बिस्कुट एवं फ्रूटी का भी वितरण किया गया एवं बच्चों को चिकित्सालय प्रभारी द्वारा मुख्य कक्षों की विशेषता बताते हुए जानकारी भी दी गई। अडॉप्ट स्ट्रीट डॉग्स की मुहिम पर अलवर राजस्थान से कन्याकुमारी 3000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे युवक रवि कृष्ण शर्मा ने 5 मई को यात्रा शुरू की और मात्र 19 दिनों में 1497 किलोमीटर चलकर 4 राज्य, 67 शहर, 312 गांव पार करते हुए राजस्थान का एकमात्र 19 दिनों में 1500 किलोमीटर चलने का रिकॉर्ड बनाया। यात्रा के दौरान विभिन्न शहरों में इन्हें सम्मानित किया गया। उज्जैन इंदौर मार्ग पर 15 डॉक्टरों की टीम ने इन्हें सम्मानित किया। यात्रा की प्रेरणा इन्हें अपनी पत्नी प्रेरणा झा से मिली, जो कि भविष्य में स्ट्रीट डॉग्स के लिए एक निःशुल्क शेल्टर और उपचार केंद्र बनाने की आशा रखती है। वर्तमान में शर्मा एक अध्यापक थे, लेकिन डॉग्स पर बढ़ रहे अत्याचार को देखकर निर्णय लिया और जॉब छोड़कर ये यात्रा प्रारंभ की। अगली यात्रा 2,00,000 किलोमीटर की होगी। यूं तो सरकार ने किसानों की सरसों और गेहूं को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से खरीद शुरू कर दी है, लेकिन खरीद केंद्र पर बारदाना ना के बराबर भेज सरसों को खरीद के ही दिखावा किया जा रहा है। किसानों को उनकी उपज गेहूं और सरसों समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए गिरदावरी अनुसार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लेकिन गेहूं का मूल्य बाजार में समर्थन मूल्य से अधिक होने के कारण किसी ने भी सरकारी खरीद पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जबकि सरसों विक्रय के लिए रामगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति पर लगभग 600 किसान रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इधर रामगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति पर 8 मई से खरीद शुरू कर दी गई है, जिसमें मंगलवार तक केवल 69 किसानों की सरसों ही तुल पाई है। इस बारे में खरीद केंद्र पर मौजूद कर्मचारियों से बताया कि बार बार डिमांड करने के बावजूद हमारे पास सरसों तुलाई के लिए मंगलवार तक केवल 3600 कट्टे ही दिए गए हैं। उनमें से भी एक गांठ बरसात से भीजकर गले हुए डैमेज कट्टों की आई है, इस कारण प्रतिदिन केवल 10 से 12 किसान ही बुलाए जा रहे हैं। यदि पर्याप्त मात्रा में कट्टे उपलब्ध हो तो अधिक किसानों को बुलवाया जा सकता है। इधर पिछले सप्ताह में कट्टे समाप्त हो जाने के दौरान जो किसान सरसों ले आए थे, उन्हें वापस ले जाने और बार बार चक्कर लगाने के अलावा जिनकी उतर चुकी है, उन्हें रोजाना रखवाली के साथ साथ आर्थिक नुकसान की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। बाजार में सरसों समर्थन मूल्य से 500 से 700 रुपए सस्ती बिक रही है। इधर खरीद केंद्र पर 10 बीघा वाले किसानों से अधिकतम 40 क्विंटल ही खरीद की जानी है और छोटे और मंझले किसानों से प्रति बीघा के अनुपात में खरीदी जानी है, चाहे पैदा कितनी भी हुई हो।
खैरतल को जिला बनाने के बाद विशेष अधिकारी के रूप में लगाए गए आईएएस ऑफिसर डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने बुधवार को बीड़ा सभागार में भिवाड़ी के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। साथ ही भौगोलिक स्थिति की जानकारी लेते हुए भिवाड़ी में चल रहे सभी प्रकार के प्रोजेक्टों में आ रही समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान कार्यवाहक जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने सभी प्रोजेक्टों को गति प्रदान करते हुए जल्द से जल्द खत्म करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान भिवाड़ी एडीएम गुंजन सोनी, तिजारा एसडीएम महेंद्र यादव, टपुकड़ा तहसीलदार रेखा यादव सहित रिको यूनिट के सभी आरएम व आईपीएस सुजीत शंकर के साथ साथ सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आईएएस डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने बताया कि खैरतल जिला बनने के बाद उनके द्वारा भिवाड़ी में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यह उनकी पहली बैठक है, जिसमें भिवाड़ी में चल रहे सभी प्रोजेक्ट की जानकारी लेते हुए उनमें आ रही समस्याओं के बारे में पूछा गया है और सभी प्रोजेक्टों को चरणबद्ध तरीके से समय पर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर बैरवा ने बताया कि अभी उनको खैरतल जिला मुख्यालय पर अनाज मंडी में बैठने के लिए 54 कमरों का भवन उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें सभी जिला स्तरीय कार्यालय सेट किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। भिवाड़ी में कार्यरत सभी कार्यालय यथावत चलते रहेंगे। जिला कलेक्टर ऑफिस के लिए परमानेंट ऑफिस बनाने के लिए अभी जमीन की तलाश की जा रही है। जमीन मिलते ही पूरी रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को भेजी जाएगी। उसके बाद राज्य सरकार का जो भी निर्णय लेगी उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई हो जाएगी। फिलहाल जिले के सीमांकन व जिला स्तर का कौन सा कार्यालय कहां पर स्थापित होगा इस पर होमवर्क किया जा रहा है। जल्दी ही पूरी रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को भेजी जाएगी। एसपी कार्यालय को भिवाड़ी से खैरतल शिफ्ट करने की बात पर डॉक्टर बैरवा ने कहा कि यह निर्णय राज्य सरकार के लेवल का होना चाहिए, अभी इस विषय पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। गोविंदगढ़ कस्बे के समीपवर्ती खेड़ा महमूद में चल रहे महंगाई राहत शिविर कैंप में बुधवार शाम करीब 4 बजे जिला परिषद के सीईओ कनिष्क कटारिया पहुंचे और कैंप का निरीक्षण किया। जिला परिषद के सीईओ आईएएस कनिष्क कटारिया ने महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण करने के बाद गोविंदगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बच्चू मीणा ने बताया कि सीओ ने खेड़ा महमूद के नर्सरी और खेल मैदान का निरीक्षण किया। इसके साथ दो प्रधानमंत्री आवास को भी आकर देखा। इस दौरान जिला परिषद के सीईओ कनिष्क कटारिया ने अधिकारियों को महंगाई राहत शिविर कैंप में दिशा निर्देश दिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को महंगाई राहत शिविर का लाभ पहुंचे इसके लिए ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान विकास अधिकारी बच्चू सिंह मीणा, अधिशासी अभियंता प्रहलाद मीणा, रामचरण मीणा, उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा, तहसीलदार नितेश गोयल, राजेंद्र लालचंद, साहून खान, खेड़ा महमूद सरपंच नीरज भाटी, ग्राम विकास अधिकारी आदि मौजूद रहे। लैब टेक्नीशियन संघ ने अपने लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। संघ के जिला अध्यक्ष सूबे सिंह चौधरी ने बताया कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन संवर्ग की लंबित मांगों की अनदेखी से नाराज होकर प्रदेशाध्यक्ष श्रीराम मीणा व संघर्ष समिति के आह्वान पर सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिया गया है। अलवर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने में जिलाध्यक्ष के साथ मुरारी लाल शर्मा, जितेंद्र सोमवंशी, राजेंद्र पारिक, कुशाल, सतीश गोयल, संतोष मीणा, कुंज बिहारी, तारा चंद, कविंद्र आदि मौजूद रहे। राजस्थान के समस्त जिलों में अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ, निदेशालय, मेडिकल कॉलेज, एलए, सभी दरिंदा वाले सभी लैब टेक्नीशियन साथियों ने सरकार को अपनी लंबित मांगों को नज़रअंदाज किए जाने के लिए नोटिस और ज्ञापन दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लैब टेक्नीशियन संवर्ग जो कि पिछले 10 वर्षों से अपनी लंबित मांगों के लिए प्रयासरत है और यही वो संवर्ग है जिसने कि कोविड काल में लाखों लोगों की जान बचाई, घर घर सैंपलिंग कार्य किया तथा जांच कार्य करते हुए लोगों की जान बचाई, जहां उन परिस्थितियों में कोई तैयार नहीं था। लेकिन चूंकि जांच इलाज है, जांच के बगैर इलाज संभव ही नहीं है और ब्लड बैंक में ब्लड कंपोनेंट का काम भी लैब टेक्नीशियन संवर्ग द्वारा ही किया जाता है, इसलिए इसकी महत्ता भी सिद्ध हो चुकी है कि लैब टेक्नीशियन अति विशिष्ट वैज्ञानिक कार्य करता है तथा विभिन्न संक्रामक बीमारियों जैसे टीबी, इबोला, हेपेटाइटिस बी, कैंसर, जिनके बीच में रहकर एड्स के जैसी बीमारियों का जांच कार्य करता है। तो जोखिम पूर्ण कार्य इस संवर्ग द्वारा किया जाता है और सरकार को बार बार ज्ञापन और अपनी मांगों के लिए निवेदन किए जाने के बाद भी आज दिनांक तक मांगों का निस्तारण नहीं हुआ है। मैं माननीय जननायक महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि आप संवेदनशील हैं
तथा कर्मचारियों के लिए लगातार आपके द्वारा घोषणाएं की जा रही कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। इसलिए जननायक महोदय जी, इस संवर्ग की तरफ सकारात्मक रुख अख्तियार करते हुए इस संवर्ग की मांगों का निस्तारण विलंब किया जाए। मुख्य मांग हमारी ग्रेड पे 4200 पदनाम परिवर्तन, स्टाफ पैटर्न तथा विभिन्न अलाउंसेज, हार्ड ड्यूटी अलाउंस, मैथ अलाउंस, स्पेशल पे के रूप में जो हमें बहुत कम भत्ता मिलता है उसको भी मूल वेतन का 25% किया जावे। अन्था संगठन को आज जो हमने नोटिस दिया है उसमें आगामी उसमें कार्य बहिष्कार करते हुए आंदोलन को उग्र करते हुए और मजबूत स्थिति में खड़ा करेंगे। धन्यवाद। जय संगठन, जय भारत। श्री राम मीणा प्रदेश अध्यक्ष। हरसोली में जटियाना रोड पर स्थित सती माता मंदिर में बुधवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मंगलवार को रात्रि में मीता बड़ौदा म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए हुए सभी भक्त मंत्र मुग्ध हो गए। बुधवार प्रातः मंदिर परिसर में हवन कराकर प्रसादी का वितरण किया गया, जिसमें आए हुए सभी भक्तों ने मंदिर में ढोग लगाकर प्रसादी ग्रहण की। मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक दीपचंद खैरिया, बलवीर सिंह छिल्लर, जिला प्रमुख अलवर एवं पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव व विजेंद्र महलावत का ग्रामीणों के द्वारा साफा बांधकर व माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। वहीं पूर्व विधायक रामहित यादव ने जटियाना रोड से सती माता मंदिर तक सांसद कोटे से 15 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग ईंट बिछवाने की घोषणा की। मंदिर में पहुंचे सभी भक्त महिलाओं व पुरुषों ने प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम के दौरान सती माता मंदिर कमेटी सदस्य व माता के भक्त मौजूद रहे। श्री श्री श्याम पदयात्रा सेवा समिति रजिस्टर्ड तिजारा का भव्य चांदी का रथ फरूख नगर हरियाणा में आकर्षक केंद्र बना। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बाबा श्याम के दर्शन किए व पदयात्रा का शुभ आरंभ किया। इस अवसर पर समिति के संस्थापक कमल शर्मा माधव, संरक्षक प्रधान रतन सैनी, कैलाश सैनी, चेतन शर्मा, कैलाश शर्मा, शिवलाल यादव, कमल गुप्ता, लाल सिंह सैनी, बिल्लू पंडित एवं अनेक फरूख नगर के श्याम भक्त मौजूद रहे। आकाश बायजू ने अलवर में प्रेरक सत्र का आयोजन किया। कार्यक्रम में 1200 से अधिक छात्रों और अभिभावकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के वक्ता परमेश्वर झा, क्षेत्रीय निदेशक आकाश बायजू थे, जिन्होंने छात्रों को एक उत्साहजनक और प्रेरक संदेश दिया। उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि छात्र को अपनी तैयारी के प्रति कितना प्रतिबद्ध होना चाहिए और कैसे रचनात्मक बदलाव किसी को उज्ज्वल और अधिक सफल बना सकते हैं। एम्स, IIT आदि जैसे शीर्ष प्रतिष्ठित कॉलेजों से मेडिकल और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाले 35 से अधिक आकाशीय पूर्व छात्रों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया। झा ने NEET और IIT JEE को क्रैक करने के लिए छात्रों को प्रेरित और निर्देशित किया और कैसे उचित मार्गदर्शन, सलाह, स्वाध्याय और माता पिता, शिक्षकों और अंततः भगवान के आशीर्वाद के साथ कोई भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर भी प्रकाश डाला कि टॉपर्स और सफल छात्र दूरस्थ स्थानों पे भी जा सकते हैं और इसके लिए बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं है। इस कार्यक्रम ने छात्रों को एक सकारात्मक दिमाग से प्रेरित होने और मेडिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपने करियर बनाने के लिए अपने सपनों का पीछा करने में तीव्रता में सुधार करने में मदद की है। माता पिता और छात्रों ने न केवल अपनी संतुष्टि और खुशी व्यक्त की, बल्कि आकाश बायजूस की टीम और सिस्टम को उनके लिए सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा लाने और इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्रों में उनके सपनों को हासिल करने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। सत्र का समापन लक्ष्यों पर टिके रहने और अपने सपनों को हासिल करने में खुद को शामिल करने की प्रतिज्ञा के साथ हुआ। तिजारा नगर पालिका में राज्य सरकार के मनोनीत किए गए हैं पार्षदों को उपखंड अधिकारी महेंद्र सिंह यादव ने नगर पालिका परिसर में शपथ दिलाई। इस दौरान उपखंड अधिकारी महेंद्र यादव ने मनोनीत पार्षद योगेश सैनी, विनोद यादव, सुरेंद्र जोशी, नवल गुर्जर, शशि अग्रवाल, नरेंद्र कुमार शर्मा को शपथ दिलाई। इस दौरान विधायक ने मनोनीत पार्षदों को शुभकामनाएं दी व विकास कार्य में सहयोग करने की बात कही। इस दौरान नगर पालिका चेयरमैन झप्पूराम सैनी, पार्षद प्रीतम दायमा, राजेश कसाना, संजय सैनी आदि मौजूद रहे। IAS टॉपर रीना डाबी के बाद एक और दलित युवती इशिता किशोर
आईएएस टॉपर बनी है। इस मौके पर भीमसेना के ब्लॉक महासचिव अलवर संजय कोठारी ने बताया कि भीमसेना की तरफ से हर्षिता को यूपीएससी परीक्षा में फर्स्ट रैंक हासिल करने पर बधाई दी गई और कहा यह महिला सशक्तिकरण और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की ताकत है। आईएएस अधिकारी बनने पर हमें आप पर गर्व है। आपकी उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा है। यह सफलता आपके दृढ़ निश्चय एवं निरंतर परिश्रम का फल है। कठिन मेहनत एवं लगन से हर बड़ी मुश्किल को आसानी से पाया जा सकता है और मेरे भाई बहन जो किसी भी कारण से सफल नहीं हो पाए उनके लिए मैं कहूंगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समाज की बेटियां देश की सर्वोच्च परीक्षा में फर्स्ट रैंक ला रही हैं। यह समाज के लिए बहुत गौरवान्वित है और जो लोग बेटी के जन्म पर सिर झुकाकर धीरे से कहते हैं लड़की हुई है उनको यूपीएससी का परिणाम देखना चाहिए। सभी भाई बहन को किसी भी परिस्थिति में अपने हक और अधिकारों के लिए भीमसेना की आवश्यकता हो तो भीमसेना उनके लिए हमेशा साथ है। थानागाजी कस्बा अंतर्गत महाकुंभ के आयोजन को लेकर आज स्कूल खेल मैदान पर सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा भूमि पूजन एवं ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों विप्र समाज के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर भारती शर्मा, पूर्व विधायक शंकरलाल शर्मा, महेंद्र प्रकाश दास, जगदीश शर्मा, कैलाश शर्मा, देवेंद्र शर्मा, रामोतार तिवारी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी विप्र समाज के लोगों से आग्रह किया है कि 28 मई को सुबह 10 बजे स्कूल खेल मैदान पर आयोजित विप्र महाकुंभ में भाग लेने पहुंचे। कल शाम को शहर की विवेकानंद नगर कॉलोनी में पड़ोस के मकान का टावर गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। गरीब महिला विधवा वे लकवे से पीड़ित है। पार्षद रवि मीना के अनुसार सरकार द्वारा दी जा रही सहकारी योजना व राहत के अंतर्गत इच्छुक व्यक्ति भी महिला की मदद में सहायता कर सकते हैं। रीको इकाई अलवर ने राजगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में एसोसिएशन भवन में शिविर का आयोजन किया। शिविर के अंतर्गत उद्यमियों को एमनेस्टी स्कीम 2023-24 में दी जाने वाली छूटों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ ही SSOID के माध्यम से जमा कराई जाने वाली राशि की भी जानकारी दी गई। रीको की इकाई प्रभारी परेश सक्सेना ने बताया कि रीको प्रबंधन द्वारा राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों के आवंटियों की ओर से जमा करवाई जाने वाली राशि को 1 अप्रैल 2023 से ऑनलाइन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। 31 मार्च 2023 तक विकास सेवा शुल्क, आर्थिक किराया, जलापूर्ति शुल्क, स्थानांतरण शुल्क, सब डिवीजन, मर्जर व अन्य राशि संबंधित रीको कार्यालय के बैंक खाते में प्राप्त की जा रही थी एवं जमा राशि की संपूर्ण सूचना न होने के कारण बैंक खाते में जमा राशि संबंधित आवंटी के भूखंड के विरुद्ध आयोजन करने में देरी लगती थी। अब रीको की बकाया राशि आवंटी की ओर से SSOID के माध्यम से रीको की ERP पर जमा करवाई जाएगी। राशि जमा कराने के लिए आवंटी को अपने नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI साथ ही बैंक शाखा के चालान के माध्यम से जमा कराने की सुविधा होगी। इकाई कार्यालय के बैंक खातों में बिना SSOID के माध्यम से किए गए भुगतान स्वीकार नहीं होंगे। शिविर में रीको की ओर से खुशी राम मीणा, MRM राजेश मीणा, ASC नरेश कुमार प्रारूपकार उपस्थित थे तथा राजगढ़ औद्योगिक एसोसिएशन की ओर से गोपेश अध्यक्ष, राजीव जैन अन्य उद्यमी उपस्थित थे। संघ लोक सेवा आयोग 2023 के परिणाम में 317वें रैंक हासिल करने वाली यादव समाज की बेटी अभिरुचि यादव, पुत्री डॉक्टर जयपाल यादव निवासी ओमेक्स पैनोरमा सिटी भिवाड़ी विला ने भिवाड़ी सहित अलवर जिले का नाम रोशन किया है। रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी ओमेक्स व समस्त निवासियों की तरफ से बेटी को बधाइयां दी गई। वह अपनी कड़ी मेहनत व दृढ़ संकल्प से अपार सफलता प्राप्त करने वाली बेटियों को सभी ने शुभकामनाएं दी। रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी ओमेक्स पैनोरमा सिटी के अध्यक्ष कपिल यादव ने बताया कि समस्त निवासियों द्वारा जल्दी ही भिवाड़ी का भारत वर्ष में नाम रोशन करने वाली बेटियों का भव्य स्वागत किया जाएगा। गोविंदगढ़ कस्बे के निकटवर्ती खेडली बहादुर निवासी आकिब खान ने यूपीएससी में 278वें रैंक लाकर क्षेत्र का और समाज का नाम रोशन किया है। जैसे ही लोगों को आखिर के द्वारा यूपीएससी फाइट कर लेने की खबर का पता लगा तो ये खुशी की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और आकिब के घर बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा रहा। बधाई देने वालों में मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान, विधायक साफिया खान, नगर विधायक वाजिब अली,
भाजपा नेता सुखवंत सिंह के साथ अन्य नेता और अधिकारी भी बुधवार को आकिब के घर पहुंचे। आकिब ने बताया कि बच्चों के लिए मेरा मैसेज यही है, जो जनरेशन पढ़ रही है उसके लिए चाहिए कि वह अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखे। आपने जो सपने देखे हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उनको पूरा करने के लिए हरदम मेहनत करते रहो। आपकी मेहनत को अल्लाह नहीं रखेगा। गंदे माहौल से दूर रहो और अच्छे लोगों के बीच रहो, जिससे नेगेटिव ऊर्जा नहीं आ पाए। पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव रहकर कार्य करो। बचपन में जब छोटी कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे होते थे तो एक टीचर से सुना था कि अगर पढ़ लिख कर बनना है तो आईएएस बने। तभी से मन में आईएएस बनने का सपना देख लिया और सोच लिया कि अब बनना है तो आईएएस ही बनना है, और मन लगाकर अपने लक्ष्य को पाने में जुट गया। मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे ज्यादा नाना और अपने माता पिता और भाई को देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे हर वक्त सहयोग किया। आईएएस बनने के बाद मेरा सबसे पहला देश में शिक्षा को ही सही करना रहेगा। पिछले इलाके अभी भी एजुकेशन से बहुत पीछे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम करूंगा। इसके अलावा लड़कियों को ग्रामीण क्षेत्र में अभी पढ़ने की बेहतर सुविधा नहीं मिल पा रही है, और शहर में लड़कियों को अब भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग नहीं भेजते हैं। उन ग्रामीण लड़कियों को स्थानीय क्षेत्र में अच्छी सुविधा मिल सके, इसके लिए प्रयास करूंगा। हेल्थ के क्षेत्र में देश को काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हेल्थ जब सही रहेगी तभी देश सही रहेगा। आकिब खान ने यूपीएससी में 278वीं रैंक लाकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आकिब खान के पिता और माता किसान और गृहिणी हैं। आकिब खान अपने परिवार में माता पिता के अलावा 5 भाई बहनों का परिवार है। बुधवार को भाजपा नेता सुखवंत सिंह आकिब खान के घर पहुंचे और उनके परिवार और आकिब को बधाई दी। सुखवंत ने कहा कि आकिब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। लोग कहते थे कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में नहीं बैठ पाते, लेकिन खान ने यह बता दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं को अगर कोई निखारने का काम करे और उनको प्लेटफॉर्म मिले तो वह किसी भी तरह की परीक्षा को पास करने में सक्षम है। इस दौरान भाजपा नेता सुखवंत सिंह के साथ हरी सिंह, मनोज शर्मा, दूली चंद गुप्ता, इमरान खान, गोपी खत्री, पूरन वर्मा, चरण सिंह आदि मौजूद रहे। गोविंदगढ़ क्षेत्र के लिए बहुत खुशी की बात है। आज हमारे क्षेत्र का बच्चा आईएएस में सिलेक्शन हुआ है। मैं हमारे भाई खुर्शीद जी का बेटा है, इनके घर में इनको बधाई देने आया हूँ। मिठाई खिला के इनका स्वागत किया है। पूरे क्षेत्र में प्रेरणा बनेगा। जो हमारे और पढ़ने वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये मार्गदर्शन है, क्योंकि लोगों में ये सोच थी कि एक ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता, एक हिंदी मीडियम का बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का आजकल जमाना है। तो इन सब धाराओं को उन्होंने पार करते हुए पूरे भारत में 268वीं रैंक प्राप्त की है। उसके लिए मैं पूरे परिवार को, पूरे गांव को बधाई देता हूं कि हमारे बच्चे ने पूरे गोविंदगढ़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। शिक्षित रूप से शिक्षा के रूप में गोविंदगढ़ क्षेत्र या रामगढ़ क्षेत्र या मेवाड़ कहें तो पिछड़ा हुआ है पूरी तरह से, क्या कहना चाहेंगे? क्या एक नदी पेश की है आखिर में? बिल्कुल, इसमें कोई दोहराय नहीं है। आगे बच्चे ने पूरे क्षेत्र का नाम पूरे भारत में किया है। खेड़ली बहादुर गोविंदगढ़ क्षेत्र को पूरे भारत में अब जाना जाएगा कि ये कहाँ का बच्चा आईएएस बना है। तो ये पूरा एक प्रेरणा है। हालांकि पहले भी यहाँ, बहुत समय पहले यहाँ आईपीएस रहे हैं, लेकिन वो जमाना, वो शायद रिटायर हो चुके बहुत सालों पहले। उसके बाद 2-4 आरएएस जरूर हुए, लेकिन आईएएस में सिलेक्शन एक बहुत खुशी की बात है। इससे पूरे क्षेत्र में एक दोबारा से पढ़ाई के माहौल में बच्चों को मन लगेगा और वो आगे बढ़ के हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। और मैं पूरे परिवार को एक बार पुनः बधाई देता हूँ कि उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद के बिना ये भी पूरा तैयारी नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग सीमित संसाधनों के बावजूद भी इन्होंने दिल्ली में इनको पढ़ाया। मैं भाई खुर्शीद को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने बच्चे को आशीर्वाद दिया। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।